उसकी बूढ़ी माँ तो आज भी उसकी राह तक रही हो, उसके इंतजार में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही। मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है, कहीं पुलिस तुम्हें ना फंसा दे किसी केस में। वो फुरकान के दोस्त थे ना आसिफ, उसने अपने भाई का रिश्ता भेजा है तुम्हारे लिए। भाभी, आप क्यों हमें हर वक्त अपने अल्फाज के नश्तर से छन्नी करती रहती है? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने आपका? उफ अल्लाह, इतनी भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही ने तो सब कुछ बिगाड़ा है, हमारा और इस खानदान का। जो कुछ तुमने किया है उस पर तुम्हें जितनी मलामत की जाए उतनी कम है। अभी खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। अच्छा चलो, अब तुम माफी मांग रही हो तो मैं माफ कर देती हूँ, कोई बात नहीं। आखिर वो तुम्हारी शादी होने वाली है और वैसे भी तुम्हारे मामू भी यहीं पर है ना। अच्छा है, उनकी दुआओं के साथ तुम अपने ससुराल रुखसत हो जाओगी। बल्कि मैं तो फुरकान से कहूंगी कि ये इधर उधर के झंझट और रस्मों में वक्त जाया ना करें, बस जल्दी से तुम्हारा निकाह कर दें ताकि तुम जल्द अज जल्द अपने ससुराल चली जाओ और मेरी जान छुटे। भाई तो वाह। अभी अगर हम आपको इतने ही बुरे लगते हैं तो हमें मार दे, जहर दे दे, हमें गला घोट के हमें एक ही दफा मार दे। काश अम्मा अब्बा के साथ हम भी मर चुके होते। ओहो भाई, आराम से आराम से, क्या हो गया है? मेरे सामने ज्यादा अदाकारी करने की जरूरत नहीं है, उसके सामने करो जिस पर असर हो, और ना ये टस पे बहाना मेरे सामने समझी, वरना एक लगाऊंगी तुम्हें। मेरी बात ध्यान से सुनो, लड़के वाले बहुत जल्द आने वाले हैं, अगर उनके सामने तुमने इस तरह की कोई बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, थप्पड़ पड़ेगा, सिर्फ पहले पड़ा था। चलो जाओ यहां से। ये ना हो कि मेरी बातों से डर के रिश्ते से इनकार करते। चली तो जाए। चले बेटा, जरा उसको भी लाओ, उसको भी लाओ। चलो चलो वे, चल चलो जरा। तुम लोग भी चलो 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 चलो, चल चल चल, चमक चलो। चलो आओ भाई शहजादे। जरा ये बॉस है सबका, सबका बॉस है ये। उल्लू के पट्टे शर्म नहीं आती तुझे? शरीफों की जगह पे लड़कियों के साथ मिलकर जमायाशी कर रहे हो? कसम से सर, मुझे नहीं पता था यहाँ पर ये काम भी होता है। मुझे मेरे दोस्त जबरदस्ती यहाँ पर लाए, मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, तूने कुछ नहीं किया। अबे चल इसकी फोटो निकाल। बाप का नाम क्या है तुम्हारा? खड़ा। फोटो निकाल, इसकी अखबार में फोटो देनी है। अबे चुप। देखे सर, सीधा खड़ा। अबे लगते तो शरीफ बाप की औलाद हो। सीधा खड़ा। नंबर बता बाप का। देखिए देखिए सर, मेरी बात सुने, मुझे थाने ले जाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप आइए ना साइड में, कुछ मैं आपका ख्याल करता हूँ। पैसे हैं? जी सर। नहीं यार प्लीज। अबे इसको साइड साइड में आ जा। चल, तो बहुत अच्छा बच्चा है भाई। जी सर। चल चेक कर कितने पैसे। अबे सौरभ, तुच्छ समझा भाई क्या? अबे ये ऐसे नहीं मानेगा। फोटो निकाल इसकी। सर एटीएम भी है। फोटो निकाल इसकी। अब एटीएम है, बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, चलते हैं ना लेकर। अगर एटीएम में माल नहीं निकला बेटा तेरी खैर नहीं, तुझे पता है ना फिर तू कहाँ जाएगा? नंगा करके मारता हूँ मैं। चल चल। अबीर, इफ्रा के रिश्ते के लिए आसिफ की पूरी फैमिली आ रही है और हम नहीं चाहते कि उनकी खातिर मदारत में किसी भी किस्म की कोई कमी रह जाए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आज तक घर में आए हुए किसी भी मेहमान की खातिर मदारत में मैंने कोई कमी छोड़ी हो। आपको ये हदायत मुझे देने की जरूरत नहीं है। हमारे कहने का मकसद वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। ये हमारी बहन के रिश्ते का मामला है, कोई आम बात नहीं है। जी सही कह रहे हैं आप।
आपको अपनी बहन के रिश्ते की पड़ी है और मुझे आपकी बहन की। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? आपको तो खैर मेरी बात का मतलब फौरन ही समझ लेना चाहिए। पहली मोहब्बत और पहला इश्क नहीं, आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। इफ्रा के दिल में अब तक उसका पुराना आशिक बसता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाडली बहन फिर से जहर खा ले। बच्चोगुनी वाली बातें मत करें, और आज के बाद हम आपके मुंह से ये जिक्र ना सुने। लो जी, मैं तो आपकी बहन के भले की बात कर रही थी, और वो चाहे जो भी करती रहे आपको फिक्र नहीं है। हमारी इज्जत को चार चांद लगा दे, बस एक मेरा मुंह बंद रहना चाहिए। देखिए अभी हमारा मूड बहुत अच्छा है, और प्लीज हमारा मूड मत खराब करिए। इफ्रा का रिश्ता समझिए तय हो चुका है। आसिफ की फैमिली सिर्फ खाना पूरी के लिए आ रही है, आप सिर्फ इस बात का सोचिए। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, क्यों नहीं, यही तो हमारा सबसे बड़ा मसला है। इफ्रा क्या कर रही है, इफ्रा की जिंदगी में क्या होना है क्या नहीं, सारा दिन उसी पर तो बातें होनी चाहिए, और तो किसी और टॉपिक पर नहीं। जी लो, आशीष तुम्हारे लिए फल लाया था, देखो मैं अमरूद काट के लाई हूँ, खाओ। किन सोचों में गुम हो बेटा, और ये हुलिया क्या बनाया हुआ तुमने अपना, 3 दिन से एक ही जोड़ा पहना हुआ है, कपड़े भी चेंज नहीं किए, क्या बात है? माँ, मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। क्यों परेशान हो रही हो बेटा, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही है, मत परेशान हो। इसके आने वाले मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान हूँ। जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, पहली बार सांस लेगा, जब मेरी गोद में आएगा, क्या मैं इसे वैसे प्यार दे पाऊंगी? क्योंकि ये तो उस शख्स की औलाद है जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। ये बच्चा वाकई बहुत बदकिस्मत है। जब ये सबसे मिलेगा, सब लोग इसे इसके फ्रॉड के बाप के ताने देंगे, सलील करेंगे, धुतकारेंगे, और हो सकता है कि एक ना एक दिन ये अपने बाप का दूसरा अक्स बन जाए, क्योंकि खून का असर खून पर तो लाजमी होता है। बेटा खून का असर जरूर होता है, लेकिन तरबियत भी तो अपनी जगह असर रखती है ना। ये बच्चा हमारे खानदान में पैदा होगा, हमारे घर पलेगा बढ़ेगा, हम इसकी अच्छी सी तरबियत करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? जैसा आप सोच रही हैं मॉम, पता नहीं वैसा होगा भी या नहीं, क्योंकि आखिर ये अपने बाप के साये के बगैर फलेगा और बढ़ेगा। माही मेरी जान, इसलिए तो कहती हूँ शादी के बारे में सोच लो, इस बच्चे को बाप मिल जाएगा और तुम्हें सहारा। एक बच्चे की माँ को कौन अपनाएगा, और जरूरी है कि जो मुझे अपनाए वो इस बच्चे को भी कबूल करे और वैसे ही प्यार दे। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ मोहम्मद, प्लीज नहीं करूंगी मैं कभी शादी। लेकिन बेटा इस दुनिया में एक शख्स है जो तुम्हारे बच्चे को बाप का प्यार और तुम्हें बीवी की इज्जत दे सकता है, उसका नाम है आशिर। इसलिए तो कहती हूं आशिर के बारे में सोचो, उससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई और नहीं हो सकता। आशिर तुम्हारे बारे में एक एक चीज जानता है, वो बच्चे को हंसकर कबूल कर लेगा, बच्चे को बाप का प्यार देगा, तुम्हें इज्जत देगा, सोचो उसके बारे में। अबीर, अबीर कहाँ है? अरे
इफ्रा क्या कर रही हैं आप यहाँ और अबीर कहाँ है? भाईजान वो अपने कमरे में होंगे, तैयार हो रही होंगी। हद करती हैं अबीर भी, आप यहाँ मेहमानों की खातिरदारी के लिए इंतजाम में लगी हैं और अबीर को अपनी तैयारी की पड़ी है। आप छोड़िए इन सब कामों को, जाके जल्दी से फ्रेश हो जाइए। जी भाईजान, बस थोड़ा सा काम रह गया, ये खत्म करके हम जा रहे हैं। अरे गुड़िया, इन सब कामों को छोड़िए, आप जाके जल्दी से फ्रेश होके तैयार हो जाए, थोड़ी देर में ही मेहमान आते होंगे, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। शाबाश। देखें मैं कैसी लग रही हूं। आपको अपनी तैयारियों की पड़ी, हमारे ख्याल से लड़के वाले आपको नहीं बल्कि इफ्रा को देखने आ रहे हैं और वहां इफ्रा अकेली किचन में लगी हुई है, थोड़ा तो आपको ख्याल करना चाहिए। अभी हम उनको किचन से निकाल के आए ताकि फ्रेश होकर तैयार हो सके। अरे आप रहने दें, आपको क्या पता, सारा दिन हो गया मुझे काम करते हुए, बस थोड़ा सा मुझे वक्त मिला तो मैंने कहा मैं 5 मिनट में जाके तैयार होकर आती हूँ और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब जाहिर है रिश्ता देखने वाले हमारे घर आ रहे हैं, उनको भी तो पता चले जिस घर जा रहे हैं वहाँ के लोग अच्छा पहनना ओढ़ना पसंद करते हैं। तो बस, बल्कि आपको पता है मैंने तो कबाब भी रख दिए थे फ्राइंग पैन में तलने के लिए और कहा था इफ्रा से कि बस उसको थोड़ा सा फ्राई कर दे, क्योंकि वो तो कब से फारिग बैठी हुई थी। मैंने कहा 5 मिनट का तो काम है, 5 मिनट में हो जाएगा और आपको देखो आप मुझे फजूल की बातें सुना रहे। अच्छा बस, अगर आपकी तैयारी खत्म हो गई हो तो नीचे आके जरा किचन को देखिए ताकि इफ्रा तैयार हो सके। रिश्ता देखने उस महारानी के आ रहे हैं और मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ और ये मुझे बातें सुना रहे हैं। नहीं होती तैयार, खुद ही निपटे और खुद ही जिस किसी के साथ उसका रिश्ता करना है करें, बस मेरी जान छुड़ाए उससे, नहीं जाती उनके सामने भी। अरे हमारी इफ्रा का है, उसे बुलाए तो सही, बड़ा ही इश्तियाक है उसे देखने का हमें। वो आप सबके लिए चाय बनाने गई है, बस थोड़ी देर में आती होगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मामू हम आते। आप लोग कुछ लेना? जी जी बिल्कुल जरूर। अरे आपका सूट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अरे फुरकान भाई, आशिर आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? वो फुरकान भाई, आप और जावेद भाई मेहमानों के साथ बैठे थे बस इसलिए। ये आप भी हमारे साथ मिलकर गपशप लगाएं। भाई मैं तो खुद यहाँ पर एक अजनबी मेहमान हूँ, आपके मेहमानों के साथ बैठना मुनासिब नहीं लगेगा ना। ये क्या बात कर दी आप, जावेद मामू आपको अपना बेटा मानते हैं तो इस लिहाज से आप हमारे छोटे भाई हुए, तो लिहाजा इस घर में अपने आप को अजनबी तसव्वुर करना छोड़ दें। आइए चलें। भाई ये आशिर हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, कराची से आए मामू के साथ, और आशिर ये मेरा दोस्त आसिफ है, ये इनके छोटे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बैठो तुम। जी मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है? नहीं तो आपको कोई गलत फहमी हुई होगी या फिर आपने किसी मिलते जुलते को देखा होगा। नहीं मैंने आप ही को देखा है। आशिर कहाँ देखे? गाड़ी बनवाने उस्ताद, पता नहीं लेकिन मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने इनको देखा है पहले कहीं। आओ आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए,
इफ्रा तो मुझे बहुत पसंद आई है। पहली ही नजर में इसने मेरा दिल जीत लिया। जैसे मैं अपने देवर जैन के लिए लड़की चाहती थी, इफ्रा बिल्कुल वैसी ही है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बल्कि इफ्रा आजकल की तेज तर्रार लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही घरदारी करने वाली और समझदार लड़की है। आपने बिल्कुल सही कहा, लगता है इसकी तरबियत किसी अच्छे हाथों में हुई है। इफ्रा बिल्कुल अपनी माँ का अक्स। मेरे देवर को तो आप सब लोगों ने देख ही लिया है, आला तालीमी याफ्ता है, अच्छी तनख्वाह है, बस मुझे ही शादी की जल्दी है। मैं किसी रस्म और रिवाज में, किसी फजूल बातों में पढ़ना नहीं चाहती, बस जल्दी से शादी करवाना चाहती हूँ। तो फिर बिस्मिल्ला करें, आज से इफ्रा बेटी हमारी हुई। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। Excuse me, एक कॉल रिसीव कर लिया। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है इफ्रा तो। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। इफ्रा जैसी लड़की किस्मत वालों के घर जाती है। अबीर आपका घर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। फरकान भाई सब खैरियत है? आप वहां सब को छोड़कर पर आ गए और हमें मिस बेल देकर बुलाने का मकसद? पता नहीं इस मामले में मेरा बोलना मुनासिब है या नहीं। देखिए आशिर, हम आपको अपना छोटा भाई मानते हैं और इस तरह आपने हमें राजदारी से यहाँ बुलाया तो यकीनन कोई गड़बड़ है। जो भी बात है आप खुलकर हमें बताइए, क्या मामला है? आपने मुझे भाई कहा तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपका मान रखूं। अगर मैं खामोश रहा तो मेरी खामोशी मुझे कभी माफ नहीं करेगी और इस घर की खुशियों को निगल लेगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो कुछ भी है खुलकर बताइए। भाई ये जो लड़का है ना जैन, ये इफ्रा के काबिल नहीं है, ये अच्छा इंसान नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? फरकान भाई ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। He is not a decent guy. ये लड़कियों में इन्वॉल्व है, बल्कि एक बार तो पुलिस ने इसे पकड़ लिया था, मैंने खुद इसको एक मरतबा जेल में देखा है। जरा ये बॉस है सबका, सबका बॉस है ये। उल्लू के पट्टे शर्म नहीं आती तुझे? शरीफों की जगह पे लड़कियों के साथ मिलकर जमायाशी कर रहे हो। शरीफ इंसान नहीं, प्लीज आप इफ्रा की जिंदगी में बात नहीं कीजिए प्लीज। मैं आपको जो भी कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। यह हमारी छोटी बहन की पूरी जिंदगी का मामला है और जब तक हम पूरी छान पटक नहीं कर लेते कोई जवाब नहीं दे सकते। आप उसकी बातों पर अंधा ही मान ले आए। उसे कहिए कि वो इस घर में मेहमान है और मेहमान बनकर रहे। हमारे घरेलू मामलात में उसे टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है।